तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्वागत के लिए, किस तरह से न्यूयॉर्क तैयार है वो तो देख ही लीजिए। उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़क के किनारे बड़ी संख्या में जो भारतवंशी हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का, उन्हें एक बार देख लेने का। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं तमाम भारतीय, अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। 24 जून तक पीएम का ये अमेरिका का दौरा है, बहुत ही खास इस दौरे को माना जा रहा है। यूएस कांग्रेस के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी 22 तारीख को। ही पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति भवन के साउथ लॉन में एक भव्य डिनर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। स्टेट डिनर में अमेरिका और भारत के कई नामी गिरामी लोग शामिल होंगे और इस लिहाज से भी ये दौरा बहुत ज्यादा खास है। तो लोगों का उत्साह आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से नाच गाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है। आज तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो स्टेट विजिट है बहुत ही ज्यादा खास है, आज के दौरा बहुत ज्यादा अलग ही है, इसे एक बड़े सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। और आपको ये भी हम बता दें कि पीएम मोदी दुनिया के ऐसे तीसरे नेता बन गए हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने स्टेट विजिट का बेहद सम्मानजनक इनविटेशन भेजा था। यह मोदी से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने राजकीय दौरा अमेरिका का किया है। तो ये जो दौरा है बहुत ज्यादा खास है और इस लिहाज से भी तस्वीरें देखिए जरा, किस तरीके से जो भारतवंशी हैं, जो भारत के अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, उनके भीतर उत्साह है, बहुत ज्यादा वो खुश हैं। अलग अलग हिस्सों से यहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के दर्शन एक बार दीदार करने के लिए, उनके स्वागत के लिए। इसमें महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी को एक बार यहां देखना चाहते हैं। आप देखिए किस तरीके से नाच गाकर तमाम महिलाएं गरबा करके नरेंद्र मोदी का वेलकम करने के लिए उत्साहित हैं, खुश हैं। तो इस दौरे को लेकर वैसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। Nation is like a family and the Prime Minister is head of the family and we are blessed to have him as the Prime Minister because being him as the Prime Minister, India is growing. Mare New York mein ek baar aavo re Modi, mare New York mein ek baar aavo re Modi, mara wala wala Modi. हमारे न्यूयॉर्क में एक बार आवो रे मोदी जी, आपको मक्की की रोटी और साग पंजाब से खिलाव जो रे मोदी जी। हमारा जो अगर आप देखें 1000 साल या 2000 साल पहले जो हमारा ट्रैक था, तो मोदी जी ने कोई ही हैज नॉट री इन्वेंटेड एनीथिंग। उन्होंने कहा है कि वन सन वन अर्थ, वासुदेव कुटुंबकम, वही मोदी जी ने कहा है कि वन अर्थ वन ग्लोब वन सन, सो वाई डोंट वी वर्क टूगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अर्थ। एक दूसरे को हम बातें करें या उनपे क्वेश्चन करें या उनको काउंटर रिपल इफेक्ट आए, तो बेटर है कि हम इकट्ठे होकर एक काम करें। एंड दैट्स व्हाट वी आवर वेदा सेज, राइट। उन्होंने हमें ट्रैक पे लेके आए हैं जो हम ट्रैक से बाहर थे। कुटुंबकम की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार कर चुके हैं, उसी का जिक्र करते हुए भारतवंशी यहां पर। और आपको बता दें कि भारत के कोने कोने से जो अमेरिका में बसे हुए तमाम भारतीय हैं वो अलग अलग जगहों से यहां प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उन्हें देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे को वैसे भी बहुत ज्यादा अलग नजर से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस दौरे से, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लाइन एकदम क्लियर कर दी है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी था कि एक तरफ पुतिन से दोस्ती और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ दोस्ती संभव आखिर हो कैसे पाएगी। आपको बता दें कि जो अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल
उसमें एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने ऐसे तमाम सवालों के जवाब भी दिए और साफ कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री के मन में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लियर हैं वो तमाम चीजों को लेकर। वो राजनयिक हैं। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खास है ये अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उससे पहले तस्वीरें देखिए किस तरीके से लंबे समय से तैयारियां लगातार चल रही थी और अलग अलग जगहों से कैसे तमाम जो लोग हैं, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी देश प्रधानमंत्री पहुंचे और भारतवंशी इस तरह से इकट्ठा होकर जोरदार तरीके से उनका स्वागत करें। इससे पहले भी इसी तरह से जोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अलग देशों में भी स्वागत होता रहा है, लेकिन ये यात्रा बहुत ज्यादा खास है और स्वागत की तैयारियां भी बहुत खास हैं। स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो पहुंचे हुए थे, एक बार नरेंद्र मोदी से बात कर लेना चाहते थे, देख लेना चाहते थे। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री ने भारत का मान बढ़ाया है और वो ये सब चीजें महसूस कर पा रहे हैं, खासतौर से विदेशों में रहते हुए। महिलाएं बच्चे एयरपोर्ट पर भी पहुंचे थे और दूसरी तरफ जरा तस्वीर देखिए, क्योंकि यहीं से पीएम मोदी का काफिला गुजरना है, तो किस तरीके से सड़क के किनारे लंबी लंबी लाइनें यहां पर नजर आ रही हैं, बड़ी संख्या में यहां पर भी लोग मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के काफिले का यहां से निकलने के लिए। यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना है प्रधानमंत्री को 22 जून को। प्रधानमंत्री ने तमाम जो भारतीय एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे उनके साथ बातचीत की है, उनका अभिवादन स्वीकार किया है। 24 जून तक ये अमेरिका का दौरा है जो बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है इसी सड़क से होकर गुजरना है और इसीलिए यहाँ पर पहले से ही लोग इंतजार में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए।